हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर कैट एंड अदर एमबीए एग्जाम्स स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है वो ये है सर, सीमैक का फॉर्म भरे कि नहीं भरे, क्योंकि भाई लास्ट डेट सीमैक की आ रही है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, अगर वो कॉलेजेस मेरी बकेट लिस्ट में है तो मैं इसका फॉर्म भरूंगा, अदरवाइज नहीं भरूंगा। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, कट ऑफ क्या रहती है, कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल बनेगी, क्या पेपर का स्ट्रक्चर रहेगा, हर चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये देखो भाई, क्या आपने ये कॉलेजेस टारगेट करे हुए हैं? भाई सीमैट एक ऐसा एग्जाम है, मोर देन 1000+ एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे सिडनम इंस्टीट्यूट, ग्रेट लेक्स, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, केजे सोमाया, पुम्बा, आईएफएमआर, उसके बाद भाई आपके जो डालमिया, एसआईईएस, बिमटेक, तो काफी सारे अच्छे कॉलेजेस सीमैट के अंडर आते हैं। इस साल भाई काफी लोगों का कैट खराब गया है या फिर अच्छा गया है या फिर अदर एग्जाम्स अपनी एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो सीमैट एक ऐसा एग्जाम है जो डेफिनेटली आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। रीजन बीइंग, हमारा ऑब्जेक्टिव है अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना, वो हम अचीव कर सकते हैं अगर हम सीमैट में भी अच्छा स्कोर कर पाए। तो इसीलिए भाई अगर आप देखोगे इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, बहुत ध्यान से देखना, एक्सटेंड हुई है। पहले 30 नवंबर थी बट अब 10 दिसंबर तक हो गई है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली भाई इसका फॉर्म भर दो, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस इसका एक्सेप्ट करते हैं स्कोर, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी हम एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। अनदर एडवांटेज इज कि जो एग्जाम है वो आपका 28 जनवरी को है, तो आपके पास मोर और लेस भाई 50 डेज, 2 मंथ्स के आसपास टाइम है जिसमें आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो अगर आपने अभी भी बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं भी करी, या कैट के टाइम आप दूसरे एग्जाम में बिजी थे, या आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए थे, जो भी चैलेंजेस आपके सामने आए थे उनको अवॉइड करके अगर आप 2 मंथ्स इस एग्जाम के लिए फोकस करो तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। बिकॉज इस एग्जाम का लेवल कैट, जैट, आईएफटी जितना नहीं होता, उससे नीचे रहता है, कंपैरेटिवली लोअर रहता है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करूं तो पेपर में हमारे 100 क्वेश्चन बनेंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, मैक्सिमम पेपर हमारा 400 मार्क्स का बनता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन क्वांट और डीआई के हैं, 25 क्वेश्चन आपके एलआर के हैं, 25 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के हैं, एंड देन 25 क्वेश्चन आपके जीके के। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं आपके सामने, तो क्वांट में आपके वही मेजर 5 टॉपिक्स है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। डीआई की अगर बात करें तो वही आपको चार्ट के क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, या फिर आपको टेबल्स एंड केसलेट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जहां तक बात है लॉजिकल रीजनिंग की, यहां पे आपको बेसिक एलआर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जैसे आपके डायरेक्शन हो गया, सीरीज हो गया, अल्फाबेट हो गया, कोडिंग, डी कोडिंग, ये वाले क्वेश्चंस। देन आपके एडवांस लेवल के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे अरेंजमेंट हो गया, लीनियर अरेंजमेंट या सर्कुलर अरेंजमेंट या न्यूमेरिक लॉजिक, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो बेसिकली आपका इंग्लिश सेक्शन हो गया, जहां पे आपको वोकैबुलरी, एनालॉजीज, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज पैसेज, ये क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में आपको आरसी का कॉम्पोनेंट भी मिलेगा, कंपैरेटिवली आरसी काफी आसान होते हैं तो सॉल्वेबल होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस है, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में इनका स्टैटिक जीके भी आता है, करंट भी आता है, मतलब आपको यह भी पता होना चाहिए कि करंट साल में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। साथ में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इनकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अब बात समझने वाली ये है कि 400 मार्क्स का पेपर है ये, तो कट ऑफ सर क्या रहती है, कितने नंबर में क्या परसेंटाइल बन जाती है? तो अगर मैं आपसे कट ऑफ की बात करूं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर भाई काफी सारे लोग सीमैट का एग्जाम दे रहे हैं, तो एक रेंज बनाने की कोशिश करिए भाई लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली क्या स्कोर बनता। 400 में से लास्ट ईयर जिसके 372 मार्क्स आए उसकी 100 परसेंटाइल थी, जिसके मार्क्स 300 थे उसके स्कोर था 98 परसेंटाइल, जिसके 361 मार्क्स थे दैट पर्सन गॉट 99.99। अगर आप टॉप कॉलेजेस देखोगे भाई, सबसे अच्छा स्कोर अगर आप एकदम टीयर ए कॉलेज देख रहे हो तो 98+ परसेंटाइल आपका होना चाहिए। अगर आप फिर भी थोड़ा मीडियोकर कॉलेज में जा सकते हो तो 95+ एंड 90 अबव कॉलेजेस, 90+ में आपको ठीक ठाक सा कॉलेज मिल जाता है। तो आपका भाई टारगेट ये होना चाहिए इस समय, 98+ परसेंटाइल सर मुझे लेके आनी है, मतलब मुझे मिशन 300 पे जाना है। तो 300+ आपको मार्क्स लेके आने ताकि आप अच्छे कॉलेज में जा पाओ। उसी हिसाब से अगर आप देखोगे भाई 95 परसेंटाइल कितने नंबर बनती है, 282 मार्क्स में 95 परसेंटाइल बनेगी, 97 बनेगी, 360, मतलब इस रेंज में आपका चलता रहेगा इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 260, ये यहां पे 300 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 90 से 94 परसेंटाइल, तो 262 पे आपके 90 परसेंटाइल बन जाएगी। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि मुझे 400 में से किसी भी तरह 300+ मार्क्स लेके आने हैं, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें इस पेपर की,
तो भाई यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ कंपेरेटिवली हायर है तो आप किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हो। तो इसीलिए आपके जो चार सेक्शंस हैं, क्वांट एंड डीआई, उसके बाद वर्बल, देन आपका एलआर, देन आपका जीके, तो चारों के चारों सेक्शन पे आपको इक्वली काम करना है, चारों के बराबर सेक्शन है, इक्वल वेटेज है, तो कोई भी सेक्शन हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो इसके लिए भाई मैं क्या करवा रहा हूं, सीमैट का क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं, 50 डेज का क्रैश कोर्स है, जिसमें भाई पूरा का पूरा फोकस सिर्फ सीमैट एग्जाम पे रहेगा। इसमें आपको कराया क्या जाएगा भाई, क्वांट्स में जितने भी टॉपिक्स है हर दिन आपको एक असाइनमेंट मिलेगा भाई, आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिलेगा, इसी तरह से वर्बल का आपको असाइनमेंट मिलेगा, आपको एलआर का असाइनमेंट मिलेगा, एंड जीके में हम स्टैटिक और करंट दोनों करेंगे। करेंगे कैसे समझो भाई, मैंने कहा, मैंने आपको असाइनमेंट दिया, मान लो मैंने आपको असाइनमेंट दिया, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब क्या होगा, जिन लोगों का बेसिक स्ट्रांग है ऑलरेडी, जिन्हें प्रॉफिट लॉस आता है, वो डायरेक्ट असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उनको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन में से वो देख सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूरे के पूरे कराए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने बेसिक नहीं पढ़े हुए, तो उसकी अप्रोच क्या होगी, वो पहले बेसिक देखेगा, फिर पूरा असाइनमेंट सॉल्व करेगा, फिर वीडियो सॉल्यूशन में अपने असाइनमेंट को मैच करेगा, उसके सही है कि गलत है। जिनका बेसिक ऑलरेडी सही है वो डायरेक्ट असाइनमेंट सॉल्व करेगा, वीडियो सॉल्यूशन से मैच करेगा। सेम गोज विद वर्बल। वर्बल में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स है, एनालॉजीज है, वो सब सिखाया गया, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, इसके साथ ही डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ आरसीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आरसीज आपको कराए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस सिखाई गई है, ताकि आप आरसी भी क्रैक कर पाओ। एलआर में अगेन द सिमिलर अप्रोच, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डीकोडिंग, एडवांस एलआर अरेंजमेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, हर चीज आपको पढ़ाई गई है, असाइनमेंट मिलेगा, सॉल्व करो, वीडियो सॉल्यूशन से मैच करो, तो हर एक टॉपिक जो भी सीमैट के लिए इंपॉर्टेंट है आपका तैयार होता चला जाएगा। जीके की बात कर रहा हूं तो स्टैटिक जीके भाई, हर एक टॉपिक की वीडियो है, हिस्ट्री से लेके पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, साथ में आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी जनवरी से लेके मंथ बाय मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो इसका मतलब इतना करने के बाद आप सीमेट के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हो। इसके साथ ही भाई हमें इवेल्युएट भी तो करना है हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, तो इसके लिए मैं आपको मॉक्स प्रोवाइड करूंगा, ऑल इंडिया लेवल के 10 मॉक्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो सीमेट लेवल के होंगे, ताकि आपको यह पता चल जाए उस मॉक को देने के बाद आप कहां स्टैंड करेंटली करते हो। हर एक मॉक का डिटेल्ड एनालिसिस विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक भी कर पाओ। ये मॉक देने का मैं, उसके लिए भाई डिटेल्ड एक्शन प्लान आपको दिया जाएगा, हर दिन का टाइम टेबल आपके सामने होगा। तो जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 8 दिसंबर से 25 जनवरी तक आपका चलेगा, पूरे 50 डेज में। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम पूरे सिलेबस को फिनिश करें, एक एक टॉपिक का असाइनमेंट हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट सीरीज देंगे, ताकि हमें अपनी परफॉर्मेंस का ट्रैक होता रहे। जो पूरे के पूरे कोर्स का फी स्ट्रक्चर है, दैट इज 3500 रुपीज फॉर वीडियोस प्लस असाइनमेंट प्लस टेस्ट सीरीज। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन बाय फॉर 850, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, मुझे व्हाट्सएप कर दो 9995837705 पर। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम का जो लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, इसीलिए अगर आप आज से तैयारी करोगे, बस आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, कट ऑफ ज्यादा है, पेपर का लेवल इजी है तो कट ऑफ ज्यादा है। तो हमें तैयारी इस तरह से करनी है कि एक भी सेक्शन में हम एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, माइंड में लेके चलो 300+ लेके आऊंगा, 98% से ऊपर आएगी, ताकि मुझे भाई हर एक कॉलेज से कॉल आ जाए एंड मैं एक अच्छे कॉलेज में एंटर इस साल कर पाऊं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।